हल्द्वानी में डीएम वंदना सिंह ने जिलाधिकारी कार्यालय में नागरिकों की मूलभूत समस्याओं के लिए कैंप लगाया। भीमताल विधानसभा के ओखल कांडा क्षेत्र से आज सैकड़ों लोगों ने सड़क शिक्षा और चिकित्सा की विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ओखल कांडा क्षेत्र की विभिन्न सड़कें जर्जर अवस्था में हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में लापरवाही की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने शनिवार से सड़क के पेंचबर्ग और निरीक्षण किए जाने के निर्देश लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। के कुछ विलेजेस के लोग जो हैं वहाँ की सड़क की, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह की समस्याओं के लिए उनका एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था। तो मुख्य रूप से उनकी जो समस्या थी वो हेड़ाखान रोड की जो स्थिति खराब हुई है उसको लेकर थी। उसमें पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड और पीडब्ल्यूडी भवाली के 2 पैच हैं। पीडब्ल्यूडी जो उसमें काम कर रही है वहाँ एक खतरनाक पैच जो डेवलप हो गए हैं, उनके विकल्पिक जो संरेखण बनाए जाने हैं उन पर काम चल रहा है, जिसका वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव भारत सरकार के स्तर पर है। उनकी टीम के द्वारा भी निरीक्षण करते हुए इसमें भूवैज्ञानिक रिपोर्ट THDC के माध्यम से देने के निर्देश दिए गए थे। THDC का सर्वे भी आश्वासन मिला आपको? देखिए, हमारा तय था कि जिलाधिकारी कार्यालय और कमिश्नर कार्यालय का हम घेराव करेंगे, और जिलाधिकारी जी ने सार्थक पहल करके हमको वार्ता के लिए बुलाया। सारे ओखलकांडा ब्लॉक और भीमताल विधानसभा हेड़ाखान क्षेत्र के विशेष तरह से लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है, और सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य 3 बड़े मुद्दे हैं। 1 महीने में 4 मौतें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से हो रही है। हेड़ाखान सड़क पिछले 1 साल से आप देख रहे हैं कि उसमें नेता लोग जाते हैं, विशेष तौर से विधायक और सांसद जी पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो फोटो खिंचाते हैं। उन्होंने फोटो का सेंटर बनाया, जब भी जनता जागरूक होने की कोशिश करते हैं वो कहते हैं हमने काम करा दिया, लेकिन धरातल पर 1 साल से कुछ उस सड़क पर नहीं हुआ।